फंक्शन होता है, तो आपके पास अगर टाइम है तो आप बताएं, नहीं है तो बताएं, परेशान क्यों हो गए हैं अभी? फिर आपको भी मसला थोड़ा सा। ओहो, क्या मसला हो गया है? शाम को ना मेल बैठ के कोई फंक्शन जो है ना वो सोचते हैं करते हैं कि क्या करना चाहिए, सब बैठ के भाई और आप सब आके आ जाएं, लेकिन उन्होंने ना खास जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि हमें कोई मसला है ना, वहाँ पे भूल गए थे टेस्ट जो था सगरा बेबी का, वो भूल गए थे उधर लेबॉरेटरी में टेस्ट कर रहे थे, तो थोड़ी देर उधर बैठे, उधर भी होश हो के गिर गई, हम परेशान हो गए। जी ओए इधर देखो, माशाल्लाह, चेक करवाओ, चेक करवाओ। आपके पास नहीं है साहिबा, मेरे पास है, आपके पास एक फैमिली के लिए। माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह की रहमत है। अब ये हमने खिलानी है, मैं बोलूं आपके क्या लगता है भाई, आप खिलाओ, आपका भी हक बनता है। अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? तबीयत ठीक है? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक, अल्लाह का करम शुक्र अदा पाक का एहसान। लेकिन थोड़ी सी एक परेशानी हो गई थी, सवेरा बीपी की दवाई जो है ना लेने गए थे, चेकअप कराते टेस्ट कराते कराते ना उसमें ना मसला बन गया और वो ना थोड़ी सी ना बेहोश हो गई। अगर आप घबराहट बनी थी, फिर दवाई वगैरह कराई है, फिर घंटा डेढ़ वहाँ पर एडमिट हुए हैं, फिर आ गए वापस, तो उसकी अम्मी जान जो है ना परेशान। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, आप बेहतर है तबीयत। परेशानी तो बनती है ना, बनती है, लेकिन अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। दुआ सलाम करें, मैंने फिर जाना है खानपुर। प्यारे बहन भाइयों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। एक बेटी मेरी जो है ना वो बीमार है, उनके लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, जिसकी औलाद नहीं अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है और आपने रहना हमारे साथ। वीडियो जबरदस्त होने वाले है, वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल मुकम्मल बात करनी है, क्योंकि आज होगी वीडियो इंटरेस्टिंग देखने और सुनने के काबिल। तो ये वीडियो आपसे मिस हो गई तो फिर आप क्या देखेंगे? और कोई वीडियो आपको पसंद आने वाली नहीं होगी, क्योंकि ये खास वीडियो है। बिल्कुल सही बात है, इस वीडियो में बड़े बड़े काम होने वाले हैं, बड़े बड़े जो है ना झटके लगने वाले हैं, बड़े बड़े बातें होंगी, खुशियाँ होंगी, डेट फिक्स होने की, सबसे मिठाई का खुद हम तलब करेंगे। डेट फिक्स हो गई है, मिठाई आपने खिलानी है या हमने खिलानी है? मैं बोल आपके क्या लगता है भाई, आप खिलाओ, आपका भी हक बनता है, मुझसे खाओ मुझे खिलाओ, ये तो बनता है ना। हमारा बेटा है तो उनका तो बेटा है ना। ये ना ये इसने पहले ना एक व्हाट्सएप स्टेटस आया, एक चीज लगाई थी, शादी पक्की हो गई है जी, डेट फिक्स हो गई, डांस कर रहा है, बड़े झुमर झुम बनता है जी, खुशी बनती है, खुशी बनती है, ये खुशी तो हो जी इंशाल्लाह ताला। और अभी आपने देखा कि उधर जो है ना दुल्हन से काम करवाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, क्या हो लेपा पोला शुरू करो, क्योंकि शादी हो रही है, ऐसे लेपा पोला शुरू करें फिर, मतलब कि अभी ना वो आपकी दुल्हन को ना पूरा एक महीने में रगड़ रुगड़ के फिर भेजेंगे इधर तेरे पास, वैसे काम ले लें आप तो चली जाएगी, फिर तो काम नहीं होने, जितना इन्होंने खाया है वो अदा करके जाए। हाँ वो हक ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसको बोसन को बोलना है कि मेरे दुल्हन से क्यों काम करवाते हो, मेहरबानी करो, उन्हें स्पेशल थंबनेल भी लिखा हुआ दुल्हन से काम करवाया। हाँ जी, हाँ ये चीज़ है, तकलीफ दे रहे हैं हमें। हाँ जी, चलें जी प्यारे बहन भाइयों, मुझे एक ज़रूरी काम है शादी के सिलसिले में, कुछ शहर में जाना है, तो कोई चीज़ बताने वाली होती कुछ नहीं होती, सो मैं थोड़ी काम करके फिर वापस आता हूँ, मेरी मुलाकात होगी, तो मैडम आपसे जो ना सारा वीलॉग को शेयर करेंगे, इतने में मैं भी आ जाऊँगा, फिर मैं भी शेयर करूँगा। ओके हो गया जी, हमारे साथ रहना है। पानी पीना है? माशाल्लाह, मुबारक हो वे गणेश की शादी, मुबारक अगले बनाए हो, अगले महीने दी तारीख रखा गया है, यार में दी यानी के 6, 7 से 8
खेल निकलती करी है हाँ जी बाकी अपना जरा हुंदा है ओ तो करना हुंदा ना अल्लाह ठीक है तबीयत भी ठीक है आपकी खुशी है दादा को अच्छा मेहरबानी करे चलो कहीं जे खुशी तो देखन सो हां जी हां जी जी बिल्कुल बिल्कुल चले जी दादा जान आ चुके हैं माशाल्लाह खुश कपड़े बताई है तो ये दुख सुख शादी गमी जे इंसान का हिस्सा है वो चलता रहता है हाँ जी बाकी आगे अल्लाह पाक खैर करे हाँ जी अल्लाह पाक दुख तकलीफ से बचाए खुशियां दे ऐसी उम्र में जो है ना दुख वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता हाँ जी ऐसे उम्र में खुशियाँ होनी चाहिए अल्लाह पाक खैर करे जी और आप जाएं सौदे वगैरह ले आएं हाँ जी फिर शाम और ये बनाना भी है अंधेरा हो जाता है अकेली हूँ फिर मुझसे अंधेरे में होता नहीं है हाँ जी ओके ओके जी जी तो माशाल्लाह अभी जो है ना चलते हैं साहिबा के घर मौजा मिल गया है सौदे लेने के लिए सौदे क्या मूंगी मसरी का दाल लेने के लिए तो सब्जी वाले अभी आने का उनका टाइम नहीं है वो नहीं आएंगे तो उधर चल के साहिबा से कोई गपशप भी लगाते हैं और दूसरा वो मिसाले वगैरह उसके पास होंगे हर किसी के पास जो है ना इसी वक्त वो मिल जाते हैं तो उधर से कुछ मिसाले भी लेते हैं फिर आके अपने घर मूंगी मसरी की दाल बनाएंगे आ जाओ के अंदर में ये आप इधर ये ना करो उठो चलो उठो गिलास ये अंदर रखो जल्दी से पहले आपने गिलास गुम कर दिया ये गंदी है मिट्टी उठ जाओ चलो चलो जल्दी जल्दी उठ जाओ इधर तो कोई नहीं है इधर चेक करते हैं ओ माशाल्लाह मेहरान जी ओए इधर देखो माशाल्लाह चेक करवाओ पूरी सब्जियां चेक कराओ ये अभी इसको हो गए तकरीबन कोई चार देखा पांच दिन हो गए हमने बीजे हैं मुगरे वाह इतने बड़े हो गए माशाल्लाह अभी और चीजें नहीं होगी नहीं अभी हल्का हल्का मुझे लग रहा है थूम भी आ रहा है ये जो लहसुन बीजा है ना ये भी फूट रहा है ये देखे ये कलियां छोटी छोटी धनिया अभी तक नहीं आया मुंगरे कमाल है मुंगरे ये देखे आगे ये हाँ ये मुंगरे मैंने बीजे थे सब्ज हरियाली होने वाली है तो माशाल्लाह रौनक बन जाएगी वेट हाउस की बक्तावर टमाटर ना खाओ मैं लेने आ रही हूँ आपसे छीन लूंगी बक्तावर जो है ना टमाटर उठा के खा रही है मैं यही ढूंढने आ रही थी आप खा रही हो आपकी मम्मा कहाँ है वो बैठी है बैठी है अस्सलाम वालेकुम कैसे हो जी ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आसिया बिल्कुल ओके है ओके है माशाल्लाह आज अकेले प्याज हाँ आज अकेले प्याज खा रहे हैं अगले महीने की पच्चीस को रखना अगले महीने की 25 जो असल में ना इस महीने में नहीं है पैसे नहीं नहीं सवाल करो हमारे पास खर्चा ही नहीं है छह महीने से हम कह रहे हैं डेट फिक्स रात हम करके आए आप और ना करो ऊपर नीचे
जो डेड फैक्स हो गए ना, बस उस पे अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र करो। आपके पास नहीं है साहिबा, मेरे पास है। आपके पास एक फैमिली के लिए भी है। मैं तो इतनी बड़ा सा कदम उठा रही हूँ, आपको पता है। अल्लाह पाक को याद करो, अल्लाह पाक को, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। हाँ वो तो है, अल्लाह पाक ने ये है कि अभी नहीं है, आने हैं। जल्दी से मंगवाओ, हो सकता है मेरे भी काम आ जाए। वो जहाँ डेट का वादा होता है ना, तब भी मिलते हैं ऐसे थोड़ी। 25 की डेट है, 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है। चलो अल्लाह खैर करे, फिर उसको भी पता है कि घर में शादी आ गई, डेट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सब लोग देख रहे हैं कि शादी है, अपने घर की फैमिली की शादी है, इधर उधर दूर की होती फिर तो कर लेते, डेट पे दे देते हैं। उनको पता है कि घर की शादी है और हालात उनके सामने हैं, तो अल्लाह पाक उसको हिदायत देगा, वो टाइम टाइम से आपको लौटा देंगे आपकी अमानत, और हो सकता है हम आपसे ले लें, फिर आप ऐसे बैठे रहना। हम तो शॉप पे हैं, ये वो अपना एडजस्टमेंट करेंगे ना, आजकल एडजस्टमेंट होती है। सही है, हालांकि वो आजकल के हालात में ऐसा नहीं है कि बस जैसे मर्जी उड़ाओ खाओ पियो। वो तो आपकी बात सही है। ऊपर से पता है क्या हुआ है, हमारा विलोक वाला जो मोबाइल है ना, वो हमें धोखा दे दिया है। अब काम होगा तो ही कमाई होगी ना, तो इसीलिए जो है ना मेरे पास कुछ पैसे थे वो भी लगा दिए किसी से, मैंने उधार भी उठा के लगा दिया। आप जब मेरे आएंगे फिर मैं उधार भी रखाऊंगा और अपने काम भी लगाऊंगा। ये परेशानी बनी हुई है। नहीं, परेशानी करने से कुछ नहीं होता, परेशानी शरेशानी छोड़ दो, जो होना है अच्छा होना है। अच्छा फिर आपको बताऊं, हाँ। जो ये कल प्याज नहीं बना रही, हाँ। ऐसे पूछो ये कुछ और भी बना रही होगी, इसलिए तो मैं साथ बैठ गई हूँ। मैंने कहा है ये साहब ना, ये बड़े बड़े प्रैंक करती रहती है। आज भी वो क्या मुझे चूना लगा रही थी। मक्खन के बजाय मुझे चूना लगा रही थी, बना कुछ रही है, दिखा हाँ। कुछ रही है, इसलिए मैं सुकून से बैठी हूँ। मैंने कहा इसका राज फाश करके ही जाऊंगी, जो चीज बन रही है वो देखूंगी, यकीन करूंगी, फिर जाऊंगी। सही है, मैं जो है इसके साथ बनाई हूँ करेला। आ गई हो ना सीधी लाइन पर। बना रही हूँ करेला, वैसे ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया है। जी जी बिल्कुल, ये तो मैं अपने बहन भाई और देखने वालों से प्रैंक कर रही थी। प्रैंक कर रही थी, वो मुझे बताया था। सच बताऊँ मुझको वो गया भी भूल थे ना, इधर से सुना इधर से निकला, मैं खुद में चलो लहरे बना रहे हैं करेले, तो वैसे काट के मैंने पहले धूप पे रख दी। अच्छा दवाई सवाई ले आए हो? हाँ। क्या बताया? दवाई ले आए हैं और उसको ना मलेरिया बुखार हो गया। मलेरिया छिपा देगा उसको ना, मच्छरों से बचाओ और जाली हो ना, जाली में सुलाओ उसे। वो देखे ना, मैं परेशान इस बात से हो रही हूँ कि घर में अभी मच्छर एक भी नहीं है, फिर मलेरिया कैसे हो जाता है? बहुत सारे मच्छर हैं, उस दिन बैठे थे ना हम बाहर, हाँ। कितने मच्छर थे, बहुत मच्छर थे। और पता क्या है, उसको ठंड भी लगती है, हाँ, तो उसको आप ना एक तो जाली में और अंदर सुलाओ। वो जे आज से बुखार उसको पहले दिन हुआ था ना, उससे पहले मुझे बुखार हुआ था, आज एक हफ्ते से ऊपर चला गया। मैं भी अंदर सोती थी, बच्चे भी सब अंदर सोते, हल्का हल्का पंखा चला देते हैं, और जाली वगैरह हमारे पास है नहीं। मुझे तो मच्छर वगैरह अपने कमरे में रात को कमरे के अंदर महसूस नहीं हुआ है। जहाँ पंखा पंखा होता है ना जहाँ, उधर तो नहीं होते, लेकिन हाँ बच्चे हैं पूरे कमरे में तो सोते होते हैं ना। ये भी किसी अगर मच्छर ने काटा है तो मलेरिया हुआ है। और दूसरा जहाँ वो खाना पीना उन्होंने खुद बिल्कुल बंद कर दिया है, और जिगर जो है ना इसका, खून पानी का वो भी कमजोरी हो रही है, काम नहीं कर रहा। जब खाती पीती हाँ अलग से उससे पूछती हूँ, जो दलिया का वो खाना, दलिया खाना है या चावल का सिमयों का, वो जब कहती है वो बना देती साबुदाना, कोई डब्बा रोटी या फ्रूट ले आते है ना, बस उसके मैंने साथ ही रख देने हैं। मैंने कहा जितनी आपको दिल करता है थोड़ा थोड़ा खाता रहा करो, ना वो पानी पीती है ना कोई चीज खाती है। तो आज जो है ना उसके कंप्लीट टेस्ट वगैरह करवाए हैं, पहले तो ऐसे दवाई लेते रहे दो चार दिन,
तो अभी जो है ना वो दवाई लेकर आए हैं, उसके टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको शिफा दे। घर का बच्चे हैं, खुशी भी है, ऊपर से घर में शादी वाला घर है, वो भी टेंशन है और बच्ची की मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। तो अल्लाह पाक खैर करे। आपने दुआ करनी है कि सवेरा जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन एहतियात आपने लाजमी करनी है, चाहे जाली इधर हमारी जालियां हैं। हाँ है तो सही, पता नहीं अब वो हुई कैसी पड़ी है, कोई तो होगी ना अच्छी। एक आदमी मिल जाए चलो उसको ना, वो दे दो इनको, फिर वो उसको बिल्कुल देख डूब के ना रात को देख के कोई एक मच्छर मक्खी कोई शय ना हो, फिर उसमें सुला दो। अच्छा दूसरा बोला मुझे थोड़ा सा मसाला चाहिए है एक्स्ट्रा। हाँ है, अभी टाइम भी नहीं है और वो मना मूंग की मसरे की दाल बना रहे हैं, मैंने कहा इधर पता कर लूँ पड़ा है तो इधर थोड़ा सा ले लेते हैं, हो जाएगा काम इंशाल्लाह सुबह देखेंगे। ओके हो गया जी, मसाला जो है हमें मिल गया है, अभी चलते हैं अपने घर की तरफ जाना, जा आगे की तरफ जाना है वो भी बताएंगे। घर जाओ पकाओ खिलाओ पिलाओ, टाइम देखा है नहीं, पाँच बज गई अभी वो लेकर भी है ना मौजा मलिक, और एक काम और भी है उधर भी जाना है, भाभी के पास जाना है, भाभी ना दिया के यहाँ, तो मिसाला ये पहुँचा देते हैं घर, फिर उधर चलते हैं, उनसे भी बातचीत करनी है, वो मिल के फिर खाना बनाना शुरू कर देंगे। ओके जी, ओके माशाल्लाह जी, अभी भाभी के घर पहुंच गए हैं और भाभी भी सब्जी बना रही है माशाल्लाह। अस्सलाम कैसी है भाभी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, भैया से ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, घर में सब ठीक है, सब ठीक है माशाल्लाह जी। आज क्या बन रहा है आपके किचन में? आज गोभी बन रही है जबरदस्त, आजरा काम कर रही है, अदरक मैंने कहा कि कचरा डाल के देती हूँ बाहर खाए खड़ी। और आप सुनाए? अल्लाह पाक का करम है, तबीयत ठीक है, बच्चे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत तो ठीक है अल्लाह पाक का करम है, बाकी सवेरा की जो है ना वो परेशानी हो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज गए थे उसको ले गए थे, उसके टेस्ट वगैरह करवाए हैं, काफ़ी दिन हो गए बुखार है, तो उसको ना मलेरिया बुखार उन्होंने बताया है, उधर भी वो लेबॉरेटरी में टेस्ट कर रहे थे, तो थोड़ी देर उधर बैठे, उधर भी होश होके गिर गई, हम परेशान हो गए, तो बिल्कुल चेहरा सफ़ेद पड़ गया, ठंडी हो गई, ब्लड लो हो गया था, फिर जो है ना पानी शानी पिलाया, पंखे के नीचे सुलाया है, फिर कुछ तबीयत सही हुई है अल्लाह पाक खैर करे, उनकी थोड़ी परेशानी है, जल्दी से ठीक हो जाए आमीन, और खैर खरिया से नंबरदार की शादी की डेट फिक्स कराए माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, सही है। मैंने बोला है कि भाभी से मिल भी आऊं, तबीयत के बारे में पूछूं, और मैंने बोला है कि अभी जो है डेट फिक्स हो गई है, तो आप ना तैयारियाँ शुरू करें, और रात को जो ना फंक्शन वगैरह के वो सोचते हैं वो भी करते हैं ना, तो इसलिए फंक्शन तो होते रहेंगे, अब जैसे ही डेट फिक्स हो गई है तो फंक्शन ही करेंगे इंशाल्लाह, और शॉपिंग वगैरह वो भी, बस तबीयत मेरी भी ठीक नहीं होती, ज़्यादा काम करूं तो फिर हाथ पांव सूज जाते हैं, तो ज़्यादा बैठ जाऊं जैसे कि कपड़े सिलाई करने होते हैं एक दो घंटे बैठ जाओ, फिर भी ऐसे ही पांव इतना सूज जाते हैं, हाथ भी सूज जाते हैं, ये सब कमज़ोरी की वजह से, तो फिर जो है ना काम करने लग जाऊं तो मेरा भी ऐसे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, फिर कभी एक काम करती हूँ जाके सो जाती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर और तो करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मुस्फिरा सुबह की स्कूल जाती है, फिर वापस आती है तो फिर ट्यूशन चली जाती है दोपहर का खाना खा के, फिर मगरब के बाद आएगी, फिर सारा दिन कभी कपड़े धोने, कभी झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पोछे लगाना, बहुत सारा काम हो जाता है, छोटा छोटा काफी सारा, फिर मुझे कहते हैं देखने वाले बहन भाई कहते हैं कि आप ना इतना ज्यादा काम ना किया करो, रेस्ट किया करो, आपको रेस्ट की जरूरत है, मैं कहती हूँ कि अब मैं ना करूँ और कौन करेगा, देखती हूँ घर में जब कोई नहीं होता तो साफ ज़ाहिर मुझे ही करना होता है, तो बस ऐसे ही, बाकी अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक सेहत देने वाला है, करम करने वाला है, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, हमारी दुआएं हैं तमाम देखने वालों को भी, अल्लाह पाक खुश रखे, मैं भी बहुत खुशी है कि शादी जो है ना
अभी आ गई है खैर। माशाल्लाह साथ साथ में सर्दी भी आ रही है। हमने बोला कि नहीं अच्छी मौसम है, आपने जो डेट फिक्स किया है ना ये मौसम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखे ना सफर से जाना होता है, ऊपर से इतनी गर्मी में आपको पता है कि गर्मियों में भी हमने शादियां रखी थी, गुजार के आए हैं क्या हाल तो इतना परेशान थे गर्मियों में इतना ज्यादा, और ज्यादा सर्दी हो मजीद तो वो भी सही नहीं होती, लेकिन ये मौसम जो है ना ये बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि इंसान बाहर भी पड़ा रहेगा अंदर के अंदर भी बैठा रहेगा, इतना ठंडा भी खाने पीने का मजा होता है, बैठने घूमने का, फिर तैयारियां करने का, मेकअप वगैरह करने का, क्योंकि गर्मियों में तो इंसान मेकअप नहीं करता, जैसे ही करे तो पसीने से बह जाता है, तो बहुत ही अच्छी मौसम है। सही है, अल्लाह पाक खैर करे, खैरियत से हमारी खुशियां जो है ना रंग लाए। यहाँ पर जी मैं जी खानपुर से होके आ चुका हूँ, जो काम गया था वो काम हो चुका है, और ये जो है ना वहाँ पे भूल गए थे टेस्ट जो था सगरा बेबी का, वो भूल गए थे उधर, तो अभी दोबारा मैं लेके आया हूँ एमपी। ये लेने नहीं गया था, वैसे अपना काम गया था, फिर इधर मेल पे डॉक्टर से लेके आया था वहाँ पर, तो मलेरिया जो है ना वो हो चुका है जी, और टेस्ट भी आया है मलेरिया पॉजिटिव, टाइफाइड वगैरह जो है नहीं है, बाकी इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह लेके आए हैं, अल्लाह खैर करे, उसके लिए दुआ करनी है जी, अल्लाह पाक को भी शिवाय कामराज नसीब फरमाए, क्योंकि आगे से हमारी है खुशी, तो जब उसकी तबीयत बिल्कुल सेट फिट हो जाएगी तो खुशी भी खुशी लगेगी, वैसे नहीं लगेगी जी, सीधी सी बात होती है, तो इसके लिए दुआ करनी है। ये दिखाने का मकसद ये होता है कि बंदे को अगले को देख के यकीन हो जाता है बाकी में भी क्या बीमारी है क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो बाकी जो है ना ये देखें सिलेंडर में गैस नहीं है, तो ये ना सिलेंडर भी भरवाना है, गैस ऐसे मतलब डवाना है, लेके आना है, और आंधी कुंडी भी करनी है, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो और घर भी मैंने जाना है, मौली अफजल के जाना है, दूसरा नबी दराज के पास जाना है, वहाँ भी चक्कर ज़रूर लगाने उनसे बात की करनी है, ठीक हो गया जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी जो है यहाँ पे ना पहुँच चुके हैं माशाल्लाह हमारे प्यारे भाई राशिद भाई, नबीला सिस्टर, और माशाल्लाह माँ अम्मी भी आई हुई है, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी भी इधर मिल गई हैं, और यहाँ पे देखें जी ये क्या काम हो रहा है जी, राशिद भाई जी, किस काम पे आप लगे हुए हैं रात का? बस ये लगे हुए हैं जो ना इधर से खुदाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, खुदाना निकाल रहे हैं। अच्छा, साथ पानी चला गया था मोहम्मद भाई के घर में ना, सही सही, गहरा करके ना हमने तो उधर पानी जो है ना ना जाए, ठीक है सही बात है जी, अच्छी बात है, जबरदस्त हो गया। और सुनाएं खैर खैरियत है, ठीक है तबीयत, खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक हो माशाल्लाह, जो है ना डेट फिक्स हो चुकी है अल्लाह की रहमत से, आप जो है ना बस डेट रखी और आई पता भी नहीं चलता, तो तैयारियां वगैरह जो होती हैं वो स्टार्ट हो गए जो हो जाए सबकी, चलें बेटा और अम्मी जान से मिल लेते हैं जी, ठीक ठाक मुबारक हो आपकी माशाल्लाह, मैं दूसरे जहां हां जी बहुत बहुत मुबारक हो भाई, ठीक मुबारक हो बेटा को, बहुत ज्यादा ठीक ठीक मुबारक, आपको समझ आई है ठीक ठीक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, हां आप सब में जाते हैं आप, हमारे नौरी में ठीक ठीक उसको कहते भाई तुम गिरो बार बन गए, वो होता है डग डग, ठीक है डग जाना गिर जाना, ये है ढग ढग मतलब वो कहते हैं बहुत बहुत वो ना भाभी जा रही थी गली में डिग गई ऐसे ना गिर गई, वो वैसे कह रहा हूँ मैं भी इधर ही गिर, देखो जी ये बच्चे बस करे अल्लाह खैर करे, चले नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, काम जो है ना ये लाजमी कर लें, क्योंकि रोज रोज का मसला जो है ना फिर वो ना रह जाए। अच्छा राशिद भाई बात सुने, राशिद भाई जी जी बात सुने अगर है जी जी, आपके पास दरकार, भाभी भी भाभी से भी मुखातिब हूँ आपसे भी जी जी, ठीक है तो हमारा ना आज रात का ना थोड़ा सा फंक्शन है शादी का, तो उसके लिए आपको इनवाइट करने जो है ना मैं आया था, आप थोड़ी देर के लिए जो बातचीत ही होती है फंक्शन होता है, तो आपके पास अगर टाइम है तो आप बताएं, नहीं है तो बताएं, परेशान क्यों हो गए हैं अभी आपको भी मसला थोड़ा सा, ओहो क्या मसला हो गया है, मसला जो है ना
अच्छा मसालेदार पेश है, क्या वो सॉल्व नहीं हो सकता या क्या है? माजर हो सकता है, अभी कुछ बता नहीं सकते। अच्छा जी, चलें ठीक हो गया, मसले मसाइल इंसान के साथ होते हैं। तो मेरे लायक कोई हो इसमें कोई सॉल्व करने वाला, कोई मेरे लायक हो तो मैं भी हाजिर, वैसी बात नहीं है। अगर मेरे लायक कोई है इस तरह की कोई बात, अच्छा अच्छा जी ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। इसमें ये बात है ना, अब आपने बता दिया कि थोड़ा मसला है, चलो हम सोच के बताते हैं, ठीक है। तो अब वो मुझे रंजी नहीं है, ठीक है। और आपको मसला सॉल्व हो जाए फिर बात है, मसले मसाइल ज़िंदगी के साथ चलते हैं, ऐसे भाभी ऐसी बात है ना, हाँ चलते रहते हैं सारा कुछ। बाकी अल्लाह खैर करे, आप जो है ना इस चीज़ से नाराज़ नहीं होना भाई। नहीं 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 भाभी, नाराज़ होने की कोई बात ही नहीं है, ये हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। लेकिन जो भी आपके साथ कोई मसला है वो इंशाल्लाह सॉल्व होगा जी, इंशाल्लाह। तो हाँ इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ओके हो गया, बाकी नाराज़गी नहीं है, नो टेंशन, हाँ परेशान नहीं होना ज़्यादा। तो मुज़म्मल अली भी आ गया है जी रोटियाँ लगवा के, तो हम बात जो कर रहे थे वो भी चलो कर लेते हैं साथ में। तो मैं गया था अपना नबीला राशिद विलाउज वालों के पास, राशिद भाई के पास, भाभी भी थी वो भी थी, तो उनको मैंने बोला आज शाम को ना मेल बैठ के कोई फंक्शन जो है ना वो खोजते हैं करते हैं कि क्या करना चाहिए, सब बैठ के भाई और आप सब आके आ जाएँ। लेकिन उन्होंने ना ख़ास जवाब नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि हमें कोई मसला है वो हम देख लें सोच लें फिर बताते हैं, पता नहीं क्या बोला है, क्या मसला है, क्या मसला हो सकता है, अच्छा सोचने वाली बात है। वैसे क्या मसला हो सकता है, सब लोग इतना खुश थे, वो भी उन्होंने कहा था कि वो भी खुश थे, हम गए हैं सम्मी भी डालनी है, सारा कुछ करना है, मैं भी सलाम दुआ भी हुई है, सब बेहतरीन हुआ है। लेकिन जब मैंने ये बात की तो फिर वो परेशान हो गए थोड़ा सा, तो वजह यह कि हो सकती है वो किराएदार है, मालिक मकान अहमद है, शायद उनकी वजह से क्यों हो सकता है, तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस तरह का है। फिर मैंने उनको बोला भी है कि मेरे लायक हो यार कुछ सॉल्व करने वाली चीज़ बता दें, उनका वो भी नहीं है, तो यही बात हो सकती है बस, जो चल रहा है सिस्टम बड़ा हालात ख़राब हो रहे हैं, अफजल साहब के फिर अहमद साहब के फिर अब राशिद भाई और ये सब, तो काफ़ी मसले बन चुके हैं। चलो अल्लाह खैर करने वाला है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह सब मसाइल जो है ना हल हो जाएंगे, इन हल करने की कोशिश करते हैं अल्लाह की दात पे यकीन, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। तो चले जी रोटी वगैरह रखें, खाना वाना खाते हैं, चलिए यहाँ पे अपना व्लॉग भी एंड होता है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला सुबह के व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़र्ज़ जिंदाबाद, साबिन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़ जी।